हेलो एवरीवन, सविता हेल्दी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको चाइना खीर बनाना बताऊंगी। त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है तो अब हम मिठाइयों से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाइना खीर बनाऊंगी। अब पहले हम चाइना निकालते हैं इसका। ये दूध हम को उबाल चुके हैं, अभी गर्म है ये, तो अब हम इसका चाइना निकालते हैं। तो ये मैंने एक कटोरी में पानी ले लिया है, देखिए, और इसमें हम ये सिरका डाल लेंगे 2 चम्मच। ये हमने इसको थोड़ा थोड़ा करके हमने दूध में डालना है और इसको हिलाते जाएंगे। हमने धीरे धीरे छाना निकालना है, ये छेना बहुत ही अच्छा बनता है। देखिए 5-7 मिनट लगते हैं और ये धीरे धीरे ये छेना निकल आता है। निकलने को तो एकदम भी हम दूध उबलते दूध में नींबू या सिरका डालें तो जैसे हम पनीर बनाते हैं, पर वैसे नहीं निकालना। छेना को धीरे धीरे ही निकालते हैं और ये देखिए, ये हमारा छेना बनके तैयार है। अब हम इसको छान लेते हैं। ये देखिए, ये पानी अलग हो गया, छेना अलग हो गया। अब हम इसको छान लेते हैं। जितना इसका एक्स्ट्रा पानी है ऐसे निकाल देंगे। और अब हम इसको, हमने इसका सिरका डाला था इसमें, तो अब हम इसको साफ पानी से थोड़ा अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि जो भी सिरका या नींबू वगैरह जो भी हम डालते हैं वो निकल जाए बाहर। छेना को अच्छी तरह धो देना है बस। इसको खोल के भी धो सकते हैं, ऐसे करके अच्छी तरह से वॉश कर दीजिए ताकि इसमें से सिरका ना रहे। एक या दो पानी से हम इसको अच्छी तरह से धो लेंगे। और अब हम इसको कहीं भी हम इसको हैंग करके रख देंगे। इसको कम से कम आधे घंटे के लिए टांग दीजिए, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, बस अच्छी तरह से निचोड़ के और बाकी हम इसको टांग देंगे। जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो धीरे धीरे निकल जाएगा। अब आधे घंटे के बाद, 30 मिनट्स के बाद हम आपको मिलते हैं। अब हम दूध रखते हैं, ये फुल क्रीम दूध है, तो अब हम इसको बॉयल करेंगे जब तक थोड़ा कम ना हो जाए। तो हम खीर के लिए दूध पकाएंगे, हम इसको बॉयल होने देंगे जब तक आधे आधे से थोड़ा सा या आधा रह जाए या थोड़ा सा ज़्यादा रह जाए, पर इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। तो अब हम छेना देखते हैं।
क्योंकि छेना हमारा बड़ा अच्छा तैयार हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा मैश करेंगे। इसको बस 4-5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से मल लेंगे। अब ये हमारा छेना तैयार हो गया है। ये देखिए बिल्कुल डो बन गया है इसका। और अब हम पहले छेना पकाने के लिए, रसगुल्ले बनाने के लिए हमें चाशनी तैयार करनी होगी। तो हम गैस पे एक कढ़ाई रखते हैं, एक कटोरी चीनी डालते हैं और तीन से चार कटोरी पानी। देखिए मैंने एक कटोरी चीनी ली है और 3 कटोरी पानी मैंने डाल दिया। आप 4 कटोरी भी पानी डाल सकते हैं अगर आपके रसगुल्ले ज़्यादा हैं तो। तो मैंने अब इसको अच्छी तरह उबलने देंगे तेज गैस पे और इसको ढक देंगे। अब हम दूध को देखते हैं और ये बॉयल हो रहा है। अभी थोड़ा और गाढ़ा कर लेते हैं थोड़ा सा और। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। आपसे जितनी ज्यादा छोटी हो उतनी अच्छी लगेंगी। बहुत छोटी लोइयां बनाएं क्योंकि ये अभी पकने पे फूल भी जाएंगी। और भी ये देखिए ऐसे बनाए, बिल्कुल क्रैक नहीं आना चाहिए इसको। बहुत सॉफ्ट हाथों से लोइयां बनाइए, बिल्कुल एक सी। ऐसे करके हम सारी लोइयां तोड़ लेंगे। अब हम इसमें दूध को हिलाते जाना और साइडों से मलाई आपने साथ साथ ही उतारते जाना। ये 1/2 कटोरी चीनी की डाल देंगे। चीनी का प्रकोशन आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। चीनी अब पक जाएगी तो हम गैस को बंद कर देंगे। 5 मिनट के बाद रसगुल्ले बना लिए हैं। अब हम एक एक करके आराम से ये उबलते हुए पानी में डाल देंगे। ये देखिए मैंने सारे फूड रसगुल्ले डाल दिए हैं। अब हमने इसको हाथ नहीं लगाना और हिलाना नहीं है। ये अपने आप 10 से 12 मिनट तक तेज गैस पे पकते रहेंगे। 5 मिनट हम ऐसे ही पकाएंगे और 5-7 मिनट हम ढक देंगे इसको। और दूध की गैस हम बंद कर देते हैं। दूध पक चुका है अच्छी तरह। अब हम इसको उतार के ठंडा कर लेते हैं। देखिए अब हमारे रसगुल्ले पक गए हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा ये पके हैं कि नहीं, तो आप इसमें से एक रसगुल्ला निकाल के बहुत ध्यान से, तो इस गिलास में पानी लेके, अगर तो ये ऊपर तैरेगा, अगर तो ऊपर तैरेगा तो ये अभी पकने में टाइम है। अगर डूब गया, नीचे चला गया तो ये पक गए हैं। ये देखिए अच्छी तरह
पक गए हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे, इसको ठंडा होने देंगे। हमने दूध को भी ठंडा करने के लिए रख दिया है रूम टेम्परेचर पे, और इसको भी थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर हम मिलते हैं। ये हमारे रसगुल्ले भी ठंडे हो गए हैं, तो हम इसको भी इसका पानी निकाल देते हैं। इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना पानी निकालने के लिए, ये ऐसे ही पानी धीरे धीरे निकल जाएगा। इसको थोड़ी देर हम ऐसे ही रहने देंगे और दूध को थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, और इनको हम ऐसे ही रहने देते हैं बाहर ही। तो जब दूध ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको इसमें डालेंगे। थोड़ी सी ये छोटी इलायची डाल देते हैं। छोटी इलायची हम पकते समय भी डाल सकते थे, पर इलायची का फ्लेवर थोड़ा सा सेंसिटिव सा होता है, वो ख़त्म हो जाती है इसकी खुशबू, इसलिए मैंने बाद में डाली है। तो दूध ठंडा हो जाएगा फिर हम मिलते हैं। जो रबड़ी है ये ठंडी हो गई है। अब हम रसगुल्ले भी मैंने ठंडे रख दिए थे फिर फ्रिज में, तो बड़े ध्यान से हम इसको इसमें रबड़ी में मिक्स कर देते हैं। और ये मैंने ड्राई फ्रूट लिया है थोड़ा, तो आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो इनको डाल दूंगी। और ये मैंने केसर भिगोया हुआ है, 6-7 कलियां केसर की गर्म दूध में भिगो दी थी, तो अब हम इसको सर्व कर देते हैं। देखिए मैंने ये ड्राई फ्रूट डाल दिया है, काजू को हमने उसका पाउडर बना के हमने डाल दिया है। ये अभी और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। और ये देखिए इसमें आप अपना मनचाहा ड्राई फ्रूट डालें तो, पर बहुत ज़्यादा बारीक काट के या उसको पीस के डालें, क्योंकि छाना खीर में छोटा छोटा ड्राई फ्रूट ही अच्छा लगता है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्लीज़ 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 थैंक यू।